गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। यहाँ पे हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में एलिगेशन की जगह पे एक नया कंसेप्ट मैं बताऊंगा। उस कंसेप्ट को आप अगर लगाओगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सेशन को इंजॉय करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट पे जाइए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट मैंने पढ़ाया है, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि बुक के कोई भी क्वेश्चन आप से सॉल्व मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, ठीक है ना भाई। और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट पे जाओ, परसेंटेज के भी सारे वीडियोज़ देखो, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं सबको यूटिलाइज करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65% व्हाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट एक्स परसेंट लॉस। इफ द ओवरऑल लॉस इज 12% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे चार ऑप्शन भी, सबसे पहली बात बच्चे इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो देख लो एलिगेशन से कैसे होगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैं एलिगेशन से लगाता हूँ, एलिगेशन मेथड एलिगेशन में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया था। एलिगेशन मेथड कैसे करेंगे देख लो भैया, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि 30% ऑफ गुड्स, हमारे पास कोई भी आर्टिकल है, मैंने मान लिया आर्टिकल 100% था, उसका 35% पार्ट प्रॉफिट पर बेचा गया। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 65% प्रॉफिट पर। बचा कितना? 35% यहां है तो बचा कितना? 65% पार्ट कितने परसेंट? x परसेंट लॉस, माइनस x परसेंट। और उसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है मेरा भाई? प्रॉफिट होता है कितने का? 12% का लॉस होता है। तो देख लो भाई, एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाओगे तो क्या होगा, 65 माइनस माइनस 12 कितना आएगा भाई, ये आएगा 77। और यहां पे अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा माइनस 12 माइनस एक्स, मतलब आएगा माइनस 12 प्लस एक्स, इस टाइप में होगा। इनका रेशियो हमें दिया है, इनका रेशियो कितना दिया है देख लो, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से कटेगा 13 बार, मतलब हम इस टाइप में लिख सकते हैं माइनस 12 प्लस एक्स अपॉन में 77 बराबर 7 अपॉन 13 लिख सकते हैं भाई, 7 अपॉन 13। मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 12 का मल्टीप्लाई 13 से, 12 का स्क्वायर 144, 12 जोड़ोगे 156, माइनस 156 प्लस 13x बराबर 7 का मल्टीप्लाई 49 से 7 77 से 49 कैरी 4 49 4 53 13x की वैल्यू आएगी, ये उस साइड जाएगा जुड़ जाएगा, 9 6 15 कैरी 1 8 और 1 9, ये कितना आया 6। एक्स की वैल्यू डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 13 का 5 65, बचा कितना 4 45, फिर 3 बार 53 पॉइंट, ऑप्शन में देखो 53.5 है, एक्स की वैल्यू आ गई 53.5। इस टाइप में हम एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन से इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि एलिगेशन से ये मेथड समझ में आया होगा, ये तरीका। एलिगेशन में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले मेथड पे। देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, एलिगेशन मत लगाना आप। तरीका क्या है मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है सेकंड मेथड। मान लो मेरे पास टोटल एन आर्टिकल है, इसके N1 पार्ट को P1 प्रॉफिट या लॉस में बेचा, प्रॉफिट में X, मान लो X1 प्रॉफिट या लॉस में बेचा, N2 पार्ट को X2 प्रॉफिट या फिर लॉस में बेचा, N3 पार्ट को X3 प्रॉफिट या लॉस में बेचा, तो नेट प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो किस टाइप में कैलकुलेट करेंगे, N1X1 प्लस N2X2 प्लस N3X3 बराबर होगा N1 प्लस N2 प्लस N3,
और मान लो ओवरऑल प्रॉफिट होता है एक्स परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, एक्स से मल्टीप्लाई, ये आपका फार्मूला है। और इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये आपके बुक में होगा या नहीं भी होगा, ठीक है ना भाई। ऐसे में दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी पर बेस्ड, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में मैं ये फार्मूला लगाऊं, ध्यान देना कैसे करेंगे, टोटल मान लो हमारे पास 100 आर्टिकल है, तो कह रहा है कि 35% गुड्स, 35% आर्टिकल को 65% प्रॉफिट पे बेचा, तो 65 को प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अगला कह रहा है रिमेनिंग 35 यहां आ गया, 35 यहां आ गया, तो बचा कितना, बचा आपका 65% एक्स परसेंट लॉस में है, तो एक्स को माइनस में लिख लो, एक्स को माइनस में लिख लो, परसेंट हटा दो, क्योंकि सब में परसेंट होगा तो सेम होगा ना भाई, सब में परसेंट है तो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, 35 इंटू 65 प्लस, यहां 35% आ गया, बचा कितना 65 इंटू माइनस एक्स बराबर टोटल कितना है, टोटल है 100 इंटू ओवरऑल कितना लॉस होता है, माइनस में 12। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वही आंसर आएगा। तो देख लो भाई सब पांच से कट रहा है, सब पांच से कट रहा है, पांच से काटोगे तो क्या होगा, पांच से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, पांच से काटोगे 13 बार, पांच से काटोगे 7 बार, पांच का मल्टीप्लाई 5, 35 कैरी 3, 42 5, 47 माइनस 13x बराबर माइनस 240, 240 इस साइड आएगा, तो 13x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 5, 11 कैरी 1, 6 और 1 7, 715, क्या सही है, 35% को 65% प्रॉफिट पे, तो 35 इंटू 65। अगला किया वाइल रिमेनिंग वर सोल्ड एक्स परसेंट लॉस, रिमेनिंग कितना बचा, 65 इंटू माइनस एक्स, सही है, ओवरऑल कितना था 100 इंटू माइनस 12, 100 इंटू माइनस 12, हाँ सही है। फिर ये 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 13 बार, 5 से कटा 20 बार, ये भी सही है, 12 का डबल 24, 240, 7, 35 कैरी 3, 42, 3, 45, यहाँ 5 होगा, हाँ ये गलत हो गया, जुड़ेगा भाई तो देख लो कितना आएगा, 695, कैंसिल करोगे x की वैल्यू आपके पास आएगी 53.5। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है भाई, बहुत ही अच्छा तरीका है, और एग्ज़ाम में इसका यूज होगा, ठीक है ना भाई। हमें बस पहचानना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये तरीका अप्लाई होगा। आज मैं बताऊँगा आपको दो से तीन क्वेश्चन इसी मेथड पे मैं कराऊँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहले पढ़ो इसको। क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, 3/5 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 17.2% एंड रेस्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। यहां पे हमसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो मेरे भाई टोटल प्रॉफिट कैसे होगा, मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, मैं वही फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला था n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3, यहां क्या होगा x, प्रॉफिट होगा तो x1, ये xyz x1 x2 x3 जो है ये प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब देख लो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/3 n1 की जगह 1/3 इनटू 14% प्रॉफिट हुआ, तो 14 को प्लस में लिख लो। नेक्स्ट कह रहा है 3/5 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट, मतलब प्लस 3/5 इंटू 17.2, मतलब 17 × 34 से 35/2 प्लस रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, मतलब 1/3 3/5 जोड़ दो, जो बचे 1 में माइनस कर दो, तो जोड़ोगे भैया रेस्ट निकालना है तो ये कितना होगा 15 8 नहीं
पांच इस साइड, नौ, नौ पांच चौदह, ये कितना बचा 1/15, मतलब 1/15 आर्टिकल जो बचा रेस्ट वाला उसको कितने पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट। तो 20 प्लस टोटल कितने थे, टोटल 1 है इनटू मान लो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ एक्स का। अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस, वैसे भी पूछ रहा है प्रॉफिट। तो देख लो सॉल्व करते हैं कैसे होगा भाई, 15 10 3 ये कट जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, ये 5 से कटेगा 7 बार, ये हुआ 14/3 प्लस 17 का 3 से मल्टीप्लाई 21/2 प्लस 4/3 बराबर होगा x, बराबर होगा x। अब इनका एलसीएम आएगा, देखो ये जुड़ जाएगा, तीन डेनोमिनेटर सेम है, 14 और 4 कितना होगा 18, 18/6 प्लस 21/2 इक्वल एक्स, ये कटेगा कितनी बार, 6 बार, 6 का डबल 12, 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 जोड़ेंगे तो आएगा 33/2 बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 16.5 आपका क्या होगा आंसर होगा, 16.5 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है भाई तो आप इसको क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ए शॉपकीपर बॉट सर्टेन आर्टिकल फॉर 300 रुपीज, ही हैड 1/3 ऑफ आर्टिकल एट एक्स परसेंट प्रॉफिट, 1/3 एट 2x% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट x-4% लॉस, इफ इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन ही गेन्स 8%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन भी आपके पास है 12, 15, 10 और 9, कैसे करेंगे देख लो भैया, देख लो कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर हमसे पूछा है x की वैल्यू में, तो देखो मैं इस क्वेश्चन में 300 का कोई यूज नहीं करूंगा, 300 रुपए जो है ना भाई इसका मैं कोई यूज नहीं करूंगा, कैसे करूंगा मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि पार्ट में दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3 आर्टिकल मतलब n1 की वैल्यू 1/3 है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, x परसेंट प्रॉफिट इंटू एक्स, तो यहां पे लिख दिया 1/3x। नेक्स्ट कह रहा है अगला 1/3 रिमेनिंग बचे मतलब अगला 1/3 कितने पे, 2x% प्रॉफिट इनटू करेंगे 2x। नेक्स्ट में कह रहा है अब देखो रेस्ट मतलब रिमेनिंग कितना 1/3 + 1/3 कितना होगा 2/3, 1-2/3 करोगे तो कितना आएगा भाई 1-2/3 कितना बचा आर्टिकल 1/3, मतलब 1/3 बचे हुए पार्ट को लॉस पे बेच रहा है, कितने लॉस पे बेच रहा है x-4 लॉस पे बेच रहा है मेरे भाई, तो इसको प्लस मत लिखना माइनस लिखना, इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, टोटल तो वन है इनटू ओवरऑल गेन हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 8%, तो यहां पे इनटू 8 कर दिया। इनको आप सॉल्व कर लो भाई, x/3 2x/3 कितना होगा 3x/3 माइनस x-4/3 बराबर होगा 8, ये कैंसिल, 3 एलसीएम आया 3x-x+4 बराबर 8, तो ये क्या होगा 2x+4 बराबर 24, 2x की वैल्यू आएगा 20, x की वैल्यू कितनी है 10, आपका आंसर क्या होगा x की वैल्यू आपका आ गया 10, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो क्या करो भाई, सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन परचेस्ड 76 काउज, एक आदमी एक व्यक्ति 76 गाय खरीदता है एंड सोल्ड 40 एट 19% प्रॉफिट और 40 गाय 19% लाभ पर बेच देता है
16 गाय 25% प्रॉफिट पर बेच देता है और 20 गाय 15% प्रॉफिट पर बेच देता है। इस प्रकार से उसे पूरा 6570 रुपए का लाभ होता है। एक गाय का क्रय मूल्य बताओ, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन काउ, एक गाय का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो भाई करेंगे कैसे, हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिया है 6570 रुपए, तो इस क्वेश्चन में मैं ये निकालूंगा कि इस बंदे को ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है इस आदमी को। तो कैसे करेंगे, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये दिया है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट नहीं दिया है। मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकालूंगा, कैसे करेंगे भाई देख लो, N1 की वैल्यू 40 है, 40 गाय कितने प्रॉफिट पर बेचा, 19% प्रॉफिट पे। फिर कह रहा है 16 गाय, 16 N2 की वैल्यू 16, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, 25% इंटू 25 प्लस बचा कितना 20, 20 गाय कितने परसेंट प्रॉफिट, 15 इक्वल, इनका सम कितना है भाई, टोटल कितने काउ है, 76, ऐसे भी अगर जोड़ दो 20 16 40, 76 इंटू मैंने मान लिया x परसेंट प्रॉफिट या लॉस है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 4 से कटेगा, 4 से काट दो 19 बार, 4 से काट दो 5 बार, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 10 बार, ये कितना है 190 प्लस 100 प्लस 75 बराबर 19x, जोड़ दो ये होगा 290, 5 ऐसे ही जोड़ लो, 6 16 ना 3, 365 बराबर 19x, एक्स की वैल्यू आएगी 365/19, ये परसेंट में आया। मतलब हमें क्या होता है, हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया, टोटल प्रॉफिट कितना पता चल गया, 365/19%। और सवाल में मेरे भाई हमें टोटल प्रॉफिट दिया है 6570 रुपए, तो ये वैल्यू मैं इक्वल कर दूंगा 6570 रुपए के, 6570 रुपए के। इस टाइप में हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6570 इंटू 19 बटे में क्या होगा, बटे में होगा 365। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू ये आ गई, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं, और 100% हमारा क्या होगा, 100% होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 76 काउ, 76 गाय का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100%, सीपी 100% रहा होगा, और ये वैल्यू आएगी 6570 इंटू 19 इंटू 100 बटे में क्या 365, ये आएगा भाई। अब मैं क्या करूंगा, मुझसे 76 गाय का सीपी नहीं पूछा है, मुझसे एक काउ का, एक गाय का सीपी पूछा है, तो देख लो एक गाय का सीपी, एक गाय का सीपी निकालोगे तो देखो ये 76 का है, तो 76 से डिवाइड कर दो, 6570 इंटू इंटू 9 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो देख लो ऊपर मैं लिख देता हूं, यहां पे एक गाय का अगर सीपी निकालें तो कितना होगा, 6570 इंटू 19 इंटू 100 अपॉन में 365 इंटू 76, इसको सॉल्व कर लो, 19 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 7 3 73 बार, कितनी बार, 73 बार। अब इसको देखो 73 से डिवाइड करेंगे, 73 से अगर डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 73 से अगर डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 90 बार, तो 90 का मल्टीप्लाई करा दो 5 से, आंसर आपका आ गया 450 रुपया। एक काऊ का सीपी, एक गाय का आपका सीपी आ गया, एक गाय का सीपी कितना आएगा मेरे भाई, एक गाय का सीपी आपका आएगा 450 रुपए, इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देख लो 40 गाय 19% प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई, 16 गाय 25% प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई, 25 गाय 15% प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई, ओवरऑल कितनी वैल्यू है, 76 गाय है, टोटल प्रॉफिट मान लिया एक्स, एक्स की वैल्यू आई कितनी, 365/19, ये जो एक्स आया ये क्या आया, ये टोटल प्रॉफिट आया, और सवाल में टोटल प्रॉफिट दिया है 6570 रुपए, 1% की वैल्यू आ गई 6570 इंटू 19 बटे 365। अब बस केवल कैलकुलेशन है,
1% ये आया तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा करा दिया। ये जो 100% आया ये क्या आया, ये आया कॉस्ट प्राइस ऑफ 76 काउ, 76 गाय का सीपी ये है। तो मेरे भाई एक गाय का सीपी निकालना है तो इसमें 76 से भाग दे दिया, सॉल्व किया, आंसर आया 450। कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है बस। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको एक बार आप पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। कह रहा है अ ट्रेडर परचेज 2000 कुंटल ऑफ राइस, एक व्यापारी 2000 कुंटल चावल खरीदता है। कह रहा है ही सेल्स 1/4 ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक चौथाई भाग वो क्या करता है 10% लाभ पर बेच देता है, 1/2 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% और आधा भाग 20% प्रॉफिट पर बेच देता है, एंड द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 8% और शेष भाग को वो 8% हानि पर बेच देता है। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% और उसे ओवरऑल 12% का लाभ होता है, अगर उसे 12% का लाभ होता ही वुड हैव गेन 930 रुपीज मोर, तो उसे 930 रुपए अधिक लाभ होता। फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइस पर कुंटल, करेंगे कैसे, दो तरीके हैं, चाहे तो आप 100 मान लो टोटल प्रॉफिट निकालो, 100 मान के टोटल प्रॉफिट निकालो, देख लो कैसे होगा। मैंने मान लिया टोटल सीपी 100 है। क्वेश्चन में कह रहा है इसका 1/4 का मतलब 25%, 25 पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है, दिया है 10% प्रॉफिट पर। तो भाई प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका 10% होगा 2.5, 10% कितना होगा 2.5, आधा भाग मतलब 50 को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है, 20%। तो 50 का 20% कितना प्रॉफिट आएगा, 50 का 20% 10 आएगा, 10% ना, 10 आया, यहां पे आया प्रॉफिट 2.5, यहां पे आया 10, और बचा कितना 50 25 75, बचा 25, 25 पार्ट को कितने परसेंट लॉस पे बेचता है, कितने परसेंट, 8%। तो इसका 8% निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा, -2 आया। तो देख लो टोटल प्रॉफिट कितना आया मेरे भाई, टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखो कितना आएगा, 10 में 2 जोड़ोगे 12.5 में घटा दोगे तो आएगा 10.5%। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कितना दिया है 12%, डिफरेंस कितना आया भाई 1.5 डिफरेंस आया, और ये 1.5 बराबर होगा किसके, 930 रुपीज के। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू मैं निकाल लूंगा 930/1.5, 1% की वैल्यू आ जाएगी 930/1.5। अगर ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर आएगा 0, ये कैंसिल होगा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 बार, फिर 0, 1% की वैल्यू 620 रुपए। तो भाई बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 62,000 रुपया। 62,000 रुपए में कितना चावल मिलता है, 62,000 रुपए में मिलता है मुझे 2000 कुंटल चावल। तो भाई 2000 क्विंटल चावल का प्राइस है 62,000, हमसे सवाल में पूछा है 1 कुंटल चावल का प्राइस, तो 62,000 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2000, कैंसिल होगा, आएगा 31 रुपया। मतलब 1 कुंटल चावल का प्राइस कितना आएगा, 1 क्विंटल चावल का प्राइस आएगा 31 रुपया। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आप करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको,
नंबर बदल सकता है बस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अभिषेक परचेज सम आइटम एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर आइटम। ही डिसाइडेड टू सेल द फर्स्ट आइटम फॉर 2 रुपीज, सेकेंड वन फॉर 4 रुपीज एंड थर्ड ऑन 6 रुपीज एंड सो ऑन। ही वॉन्ट टू मेक ऑन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 20%। वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल। ऑप्शन है 118, 117, 139, 140। देख लो कैसे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है सीपी हमें दिया है, सीपी दिया है 100 रुपीज पर आइटम। पर आइटम मतलब एक वस्तु की कीमत 100 रुपए है। तो मैं मान ले रहा हूं लेट नंबर ऑफ आइटम शुड बी एन। मैंने मान लिया टोटल आइटम कितने हैं, टोटल वस्तुएं कितनी हैं एन। तो देखो भाई, देखो भाई टोटल सीपी की अगर मैं बात करूं, टोटल एसपी, तो पहले वो पहली वस्तु 2 रुपए में बेचता है, दूसरी कितने में बेचता है 4 में, तीसरी 6 में, चौथी 8 में, एच सो वन एन वस्तुएं बेचता है। इसी प्रकार से बराबर होगा टोटल एसपी कितना होगा, सीपी था 100, एक वस्तु की कीमत 100 है तो एन वस्तुओं की कीमत 100n होगी, 100n होगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन 20% का प्रॉफिट होता है तो ये हो गया 120n। कुछ नहीं करना है, आप इसको बस सॉल्व कर लो। तो देख लो इसमें दो कॉमन है, दो को मैंने कॉमन ले लिया, बचा 1 + 2 + 3 + 4, एच वन एन बराबर होगा 120n। और ये आपको पता है सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला, एपी के सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला पता है। एपी में पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने वाला हूं। क्या होता है भाई, एन अपॉन टू, टू ए प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस टाइप में होता है ना भाई, ए प्लस एल। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 120n। गलत हो गया क्या, होता है फार्मूला एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है 2 × 1 + n-1। अच्छा ए प्लस एल होगा, ए प्लस एल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस एन, हाँ ये होगा। तो ये कैंसिल हो गया, एन कैंसिल कर लो, ये बचेगा कितना 1 प्लस एन बराबर होगा 120। एन की वैल्यू होगी 190। देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा, क्योंकि लेस होगा ना, मिनिमम पूछा है। तो भाई कितनी वस्तुएं, मिनिमम 119 वस्तुएं क्या होती हैं, मिनिमम 119 वस्तुएं हमने क्या किया, खरीदी जा सकती हैं, मिनिमम 119 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो एक बार और देख लो, सीपी हमने मान लिया दिया है, सॉरी सीपी दिया है 100 रुपीज पर आइटम, मतलब एक वस्तु 100 रुपए में। नंबर ऑफ आइटम हमने मान लिया एन, नंबर ऑफ आइटम क्या मान लिया एन मान लिया। तो टोटल एसपी कितना होगा, पहली वस्तु 2 में, दूसरी 4 में, तीसरी 6 में, चौथी 8 में, इस टाइप की एन वस्तुएं हैं। टोटल कितना होगा एसपी, 120n होगा। यहां पे दो कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3, एसो वन एन। फार्मूला इसका क्या होगा भाई, एपी में है एन अपॉन टू ए प्लस एल, होता है फार्मूला, 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, n की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 119। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार अगर पढ़ें तो, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। आइटम ए वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड आइटम बी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी इज 6:7 देन वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी। करेंगे कैसे देख लो भैया, कह रहा है कि जो ए का जो
सीपी है वो बी के सीपी से, सॉरी बी का जो सीपी है वो ए के सीपी से 200 ज्यादा है। तो मेरे भाई अगर मैं बेसिक से करूं तो मैं मान ले रहा हूं कि ए का सीपी एक्स है, तो बी का सीपी कितना होगा 200, एक्स प्लस 200, क्योंकि 200 रुपए क्या है ज्यादा है, इस टाइप में हम मान सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, हमें दिया है एसपी, ए का एसपी अपॉन बी का एसपी, रेशियो दिया है 6:7, रेशियो कितना है 6:7 है, कुछ नहीं करना है, सीपी पता है, एसपी निकाल के डिवाइड कर दो बस। एसपी कैसे निकलेगा, ए को आइटम ए को 20% प्रॉफिट पर बेचता है इनटू 120/100 अपॉन में बी वाले आइटम को 30% लॉस पर बेचता है, तो ये होगा एक्स प्लस 200, 30% लॉस पे बेचता है इनटू 70/100 बराबर होगा 6:7, 100 से 100 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 7 से कट गया दो बार, ये आया 2x बराबर x प्लस 200, x की वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू अगर 200 आ गई तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी, x की वैल्यू कितनी आई 200, 200 यहां रखोगे 200 कितना होगा मेरे भाई 400, 400 रुपीज इज द राइट आंसर। इस टाइप में आप सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से देख लो भैया कैसे होगा, एक साइड सीपी लिखो एक साइड एसपी लिखो, पहले ए आइटम बी आइटम, कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर बेचता है मतलब 1/5, इसका सीपी 5 है इसका एसपी 6 है, अगले को 30% लॉस पे बेचता है मतलब 3/10 मतलब सीपी 10 है एसपी 7 है, कह रहा है सेलिंग प्राइस का रेशियो ए और बी का कितना है 6:7, यहां भी देख लो 6:7 है, कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ना होता तो हम रेशियो लाते, पहले इनको बराबर करते फिर 6 से मल्टीप्लाई फिर 7 से, लेकिन यहां इत्तेफाक से बराबर है, और कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है 5, और सवाल में इसी 5 यूनिट की वैल्यू दिया है 400, 5 यूनिट 400 मेरे भाई, तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट आपका होगा 80, 1 यूनिट आपका 80 हो गया, सही है ना, इनका डिफरेंस 5, 5 यूनिट की वैल्यू 400 नहीं 200, 1 यूनिट की वैल्यू 40, और हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी का सीपी कितना है भाई 10, 1 यूनिट 40, तो 10 यूनिट कितना होगा 400, 400 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये देखो आज की क्लास का आखिरी सवाल था, ठीक है भाई, अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करते थे, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया उसमें केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड था बस, अगले पार्ट से जब भी कभी आएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। देखो एक क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक बात और, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंट देखेंगे कैसे स्टार्टिंग हुई, जब प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट मिल जाता है तो भाई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करेंगे बेईमान दुकानदार वाले भी क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।